फुल न्यूज की इलेक्शन ट्रांसमिशन आपने पूरे दिन देखी और अब आपको बताएं कि सबसे पहले बात करेंगे पंजाब के जिमनी इलेक्शन में पीटीआई की यादगार फतह की, जिसके बाद हमजा शहबाज के हाथ से हुकूमत चली गई। पंजाब ने इंपोर्टेड हुकूमत को नो मोर कह दिया। तहरीक इंसाफ ने पीडीएम उम्मीदवारों को शिकस्त दे दी। जिमनी इलेक्शन की तमाम नशस्तों के नतज आ गए। पीटीआई 15 नशस्तों के साथ सर फहरिस्त है। नून लीग सिर्फ 4 नशस्तें ही जीत सकी। पंजाब का मैदान तहरीक इंसाफ के नाम। मुल्तान से जैन कुरैशी को कामयाबी मिली, 46,963 वोट हासिल किए। पीपी 288 डीजी खान से सरदार मोहम्मद सैफुद्दीन खोसा ने 58,015 वोट हासिल किए। पीपी 202 साहिवाल से पीटीआई के गुलाम सरवर 61,989 वोट लेकर कामयाब ठहरे। पीपी 83 खुशाब में पीटीआई की हसन मलिक 48,475 वोट लेकर कामयाब करार पाए। पीपी 140 शेखुपुरा से पीटीआई के खुरम शहजाद 49,734 वोट लेकर कामयाब करार पाए। पीपी 158 लाहौर से पीटीआई के मोहम्मद अकरम ने 37,463 वोट लेकर कामयाबी हासिल की। पीपी 167 लाहौर से पीटीआई के शबीर गुजर ने 40,551 वोट हासिल किए और कामयाब रहे। पीपी 224 लोधरा से पीटीआई के आमिर शाह ने 59,881 वोट हासिल किए और कामयाब ठहरे। पीपी 170 लाहौर से मोहम्मद जहीर अब्बास ने 24,688 वोट लेकर कामयाबी हासिल की। पीपी 90 भक्कर से इरफानुल्लाह आवान ने 68,982 वोट हासिल किए और कामयाब करार पाए। पीपी 125 संघ से पीटीआई के मियां मोहम्मद आजम ने 82,382 वोट हासिल करके कामयाबी अपने नाम की। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।